tandoori mirch pakoda lassi. Cheers. एग्जीबिशन हॉल ढका हुआ है कैसा लग रहा है हवा महल मस्त तो ये सेक्शन किस पे यूज होता होगा भोजनालय भोजनशाला काफी फोटोज एंट्री का लोकेशन वो कुछ फोटोज ले लेते हैं तो कहते हो प्रत्यक्ष मौका लगा दिया स्नो है जो खूब रास्ता जो है फर्स्ट फ्लोर पे जाता है My young love said to me, my mother won't mind. And my father won't spite you for your lack of kind. And she stepped away from me, and this she did say. So, Hawa Mahal ka tour almost khatam ho gaya. Kaafi beautiful hai ye. यहाँ से यू कैन सी आई थिंक ये जो दिख रहा है ये एम्बर फोर्ट है नेक्स्ट हम वहीं जाएंगे हवा महल काफ़ी ब्यूटीफुल है सी डिफरेंट डिफरेंट चेंबर्स बने हुए हैं इनका यूज़ क्या है आई एम नॉट रियली श्योर बट हाँ काफ़ी ब्यूटीफुल है कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड ऑरेंज दरवाजे देखिए एक साथ तीन चार लाइन में
ये हवा महल की एक खुफिया खिड़की। एक गैलरी है, म्यूजियम टाइप आर्ट गैलरी है यहाँ पे ड्यूरिंग द एग्जिट ऑफ हवा महल। तो हम हवा महल एग्जिट करके हैं। एग्जिट में कोई मार्केट वगैरह तो नहीं थी, बट एक बस एक म्यूजियम ही था। तो ये है जयपुर मेन मार्केट लॉल। अभी हम जा रहे हैं अंबर फोर्ट। तो सी यू गाइस देयर। In 1 kilometer, turn left onto NH248. It's called Pink City. Everything is pink. ये हवा महल बाहर से, अभी अंदर हम घूम के आ रहे हैं। हवा महल नाम सूट करता है क्योंकि अंदर इस तरीके से आर्किटेक्ट हो रखा है कि वेंटिलेशन बहुत अच्छी है और बिल्कुल ठंडा अंदर से, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपने देखा ही होगा वीडियोस में, वो कॉम्बिनेशन ऑफ येलो ऑरेंज काफी ब्यूटीफुल था। अंबर फोर्ट जा रहे हैं, अंबर फोर्ट इससे भी ब्यूटीफुल है, पर उससे पहले हम लोग यहाँ की खाएंगे कचौरी। डरा के रहे तो हाँ, उससे पहले हम कचौरियाँ खाने जा रहे हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट किया था वहीं हवा महल के सामने वाले रेस्टोरेंट में। अब बिकॉज व्यू वहाँ हवा महल का है इसलिए महंगा बहुत है, तो बस एक सैंडविच और कॉफ़ी ली थी। भूख कभी भी लगी हुई है तो खाने जा रहे हैं प्याज कचौरियाँ या जो भी यहाँ पे फेमस है। उसके बाद निकलेंगे अंबर फोर्ट। नहीं आई थिंक ये जो भीड़ है ये उसी की है। यही है लगा ले। सो हियर वी आर ईटिंग प्याज कचौरी, मिर्च पकौड़ा या कचौरी जो भी है, मिर्च पकौड़ा, बोथ आर वेरी टेस्टी। सो कचौड़ियाँ खा के जो पेट में आग लगी है उसे शांत करने के लिए जूस एंड लस्सी। चीयर्स। सो कचौड़ियाँ खा ली हैं, जूस पी लिया है, पेट पूजा हो गई है, तो अब निकल रहे हैं एम्बर फोर्ट। Please tell me about Hawa Mahal. The Hawa Mahal is a palace in the city of Jaipur, India, built from red and pink sandstone. The palace sits on the edge of the city palace, Jaipur, and extends to the Zenana or women's chambers. Would you like to hear more? Yes. The structure was built in 1799 by the Maharaja Sawai Pratap Singh, the grandson of Maharaja Sawai Jai Singh, who was the founder of the city of Jaipur, India. He was so inspired by the unique structure of Khetri Mahal that he built this grand and historical palace. Hathi, mere saathi. तो जो हवा महल का फ्रंट है उसमें मतलब जो बाहर से ही दिखता है कि काफी सारे विंडोज टाइप बने हुए हैं, तो पुरानी लैंग्वेज में इनफैक्ट अभी भी उसे झरोकाज बोलते हैं। तो 900 के ऊपर कुछ झरोकाज है वहाँ पे जो पढ़ा था मैंने। तो वो बेसिकली इसलिए बनाया था कि जो रानियाँ होती थी बिकॉज वो पर्दे में रहती थी, और जो भी स्ट्रीट में कुछ भी कल्चरल एक्टिविटीज कुछ भी हो रहा है उसको देख पाए वो, इसलिए वो छोटी छोटी खिड़कियाँ वहाँ बनी हुई हैं। तो ये यूज़ था मेनली वहाँ पे जो झरोकाज बने हुए। सो थोड़ी सी शॉपिंग भी की है मेनली, मैंने तो एक टी शर्ट ली है, मैडम ने लिया है सारा कुछ। सुबह सुबह का ही टाइम था तो काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग हो सकती है। जैसे हमने 2 pairs ऑफ सूट्स लिए थे और इनके लिए टी शर्ट्स थी, तो उसका 2400 उसने बताया था, तो फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोल बाल के 1800 में फाइनल हो गया सारा। मतलब ये भी इनकी कला होती है ना, मैं मन में सोच रहा था जब उसने 2400 बोला इसने 1700, मैं क्या बोल रही है, बट फिर भी 1800 मान के आई वाज शॉक्ड।
पर बाहर आके मैडम बोली तो 1500 में भी मान जाते। वही तो, जितना बोल रहे हैं उससे हाफ प्राइस बोलना चाहिए। मैंने गलती की, इस तरह बोल दिया, ऐसे 15 ही बोलना चाहिए था। उसकी फर्स्ट बोनी थी इसलिए दे दिया उसने सस्ते में, और कुछ नहीं। हाँ ये भी है थोड़ा, बाकी काफी नाइस था, गाइड से बचने को बोला है। बाकी कचौड़ी तो बहुत सही थी, मेरा मिर्च पकौड़ा भी, और लस्सी भी काफी मस्त थी यहाँ पे। मैं तो सेकंड टाइम आई, पहली लस्सी जो अभी भी मेरी फेवरेट है वो है ज्ञान दी लस्सी फ्रॉम अमृतसर। उसके बाद जो नेक्स्ट पसंद आई है वो यही की है, अच्छी थी ये। ज्ञान दी लस्सी, और ये किसकी लस्सी थी? राजस्थान दी लस्सी। तो एम्बर फोर्ट जाते हुए जल महल आता है रास्ते में, बोटिंग वगैरह अंदर नहीं जाती है, ऑफिशियल जो बोट्स हैं वो एक दो चल रही हैं। तो हम तो सोच रहे थे ग्राउंड हो जाए, बट वो शायद अभी बंद है कोविड करके, या पता नहीं कब से बंद है, पर लोग कह रहे हैं कि बंद है। ये रहा जल महल, ये कितना ब्यूटीफुल है, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं ब्यूटी। काफ़ी शांति है, पहाड़ हैं थोड़े थोड़े, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पूरी स्ट्रीट में डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वेंडर्स हैं। सो एक फ़ोटो करा रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में, ये मैडम पहन रही है। मैंने बोला रेड ले ले, बट हमेशा यूनिक चाहिए, यूनिक मल्टी कलर में। कुछ फोटोज भी खिंचाई थी हमने, ऊपर इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, प्लीज फॉलो अस। कुछ सीधा फोटोज काफी अच्छी आई हैं और सही लग रही थी ड्रेस काफी। ये शॉप से हमने फोटो भी ये लोग बना के देते हैं, और ड्रेस साफा और सारा कुछ बांध के प्रॉपर। ये फोटो आई है एक जो हमने निकलवाई है, बाकी सॉफ्ट कॉपीज भी ले ली हैं, अच्छे रीजनेबल प्राइस पे इन्होंने दे दिया। तो कभी भी आप जल महल आते हो तो क्या नाम है शॉप का भैया? राजस्थानी ड्रेस। राजस्थानी ड्रेस, मतलब यहाँ आपको जल महल के साथ में जो रोड है यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी। स्ट्रेट यूनिट अभी अंबर फोर्ट जा रहे हैं, तो वहाँ जाके मिलते हैं। पहाड़ों से में अंबर फोर्ट, दोनों तरफ छोटे छोटे पहाड़ हैं। थोड़ी गर्मी धीरे धीरे होती जा रही है, जैसे अब 12:30 का टाइम हो गया है, तो बट ठीक है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है गर्मी। सो हियर वी हैव रीच्ड एम्बर फोर्ट, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, पूरा गोल्डन येलोइश। नीचे छोटी सी लेक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पीछे पार्किंग थी एक, हम एक सामने बिल्कुल एम्बर फोर्ट के नीचे एक पार्किंग होती है, वो ट्राई करने वाले हैं, अगर नहीं मिली तो यहाँ पीछे वाली पार्किंग में पार्क कर देंगे। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द फोर्ट, इट्स ब्यूटीफुल। तो ऊपर दो या तीन तरीके से हम जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार जाती है, तो हमने इलेक्ट्रिक कार ले ली है क्योंकि टाइम का इशू था। तो कह रहे थे एक डेढ़ किलोमीटर है, तो हमने सोचा कि पैदल चलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो एक डेढ़ किलोमीटर के लिए ही हमने इलेक्ट्रिक कार कर लिया। मेरी आवाज़ का इन्होंने देखो गेटअप चेंज कर लिया, इनका अलग अलग लोकेशन में अलग अलग गेटअप है, हम गरीब एक ही शर्ट।
सारी जमीन तो जाती है अकबर के पास और लूट का माल धन संपत्ति आता इधर, पैसा इधर जमीन। जब सर भाई साहब जेब में पैसा खूब हो और घर में शांति हो तब आमेर महल जैसी सुंदर चीज़ें बनती हैं और जयपुर जैसा शहर बनता है। जयपुर एशिया कॉन्टिनेंटल का पहला शहर है जो नक्शों के मुताबिक बना हुआ है। तो यहाँ से मूव करके वो जयपुर चले गए 1734 में एंड लेटर ऑन दिस पैलेस इट यूज बाय देम लाइक ए फार्म हाउस। अच्छा, आते जाते पहले। बट जब भारत स्वतंत्र हुआ अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ऐसे किले महल भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया। तो ये अभी राजस्थान सरकार की संपत्ति है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ राजस्थान। तो ये थोड़ा सा पुराना इतिहास हो गया। अब हम बात करते हैं, तो ये महल बना 1592 में। मैं दोबारा डेट रिपीट करता हूँ, तीन पीढ़ी बनने में लगी और ये चार हिस्सों में डिवाइड है, बाहर निकलने के हिस्सों सहित पांच हिस्से। तो ये पहला चौक है जिसे कि इसे जलेब चौक कहते हैं। जलेब ये एक अफगानी वर्ड है और इसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। सो इट हैड आर्मी कोर्ट भी। उस गेट से राजा लोग हाथी घोड़े उठ के आते थे, वो जो भी उनकी इच्छा हो वो ट्रांसफर। और मून गेट से लोकल पब्लिक, तो मून गेट लोकल पब्लिक के लिए और सूरज पोल राजा महाराजाओं के लिए। यहाँ बेसिकली तीन पर्पज होते थे। पहला वेलकम, या वेलकम कोर्टयार्ड भी है। जब भी कोई दूसरे देश के राजा महाराजा मेहमान लोग आते तो उनका स्वागत किया जाता था। तीज त्यौहार मेलों की बड़ी बड़ी पार्टियाँ यहाँ है। और आर्मी की प्रीत तो की फिटजन, तो ये तीन पर्पज यहाँ होते थे। जब ये तीन चीज़ें जब ये होती तो यहाँ का सिस्टम कैसे होता था, आम जनता रहेगी चौक पे, मेहमान रहेंगे उस बालकनी पे, बाकी की रानियाँ इस बालकनी पे, राजा और रानी इन दो छत्रियों में और मंत्री लोग इस प्लेस में। हो गया सिस्टम एज पर ऑफ देयर लेवल। काफी टाइम लग गया यहाँ पे, बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। गाइड कर लिया था तो काफी हेल्प हुई, पता नहीं अकेले कितने देख पाते। काफी ब्यूटीफुल है, अलग अलग पार्ट्स हैं, हर पार्ट का अच्छा खासा हिस्टोरिकल रेफरेंस है। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। नाउ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अभी तो चौकी तक ही जाएंगे लंच करने, उसके बाद सोचते हैं। तो एम्बर फोर्ट से निकल गए हैं। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। गाइड बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बताए और मतलब फील अलग थी। मतलब वहाँ जाके आप फील करके, जो लोग गए हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं नारागढ़ फोर्ट। नारागढ़ फोर्ट यहाँ से भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ चल के मिलते हैं। अभी भूख लगी है। पहले हमारा प्लान था चौकीदानी जाने का, लेकिन चौकीदानी यहाँ से एक घंटा दूर दिखा रहा है और नारागढ़ फोर्ट एम्बर फोर्ट के साथ में ही है, तो हमने सोचा है कि पहले यहाँ से घूम के जाते हैं। सो वी हैव रीच्ड नाहरगढ़ फोर्ट। सो पहले मैं नारागढ़ बोला था, नाहरगढ़ फोर्ट है एंड ये उसका बैक साइड है। यहाँ हमने पार्किंग लगाई है। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। We'll be right back.
अच्छा दिन था, वी एंजॉयड अ लॉट बेसिकली सारी प्लेसेस देख के। अभी जयपुर में स्टे करने का प्लान था बट हमने सोचा कि क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मेजर डेस्टिनेशन है वो जैसलमेर है, तो जैसलमेर तो अच्छा खासा दूर है जयपुर से, तो एक दिन ट्रैवल करने में लगेगा और फिर एक दिन घूमने में। तो पहले प्लान था कि कल निकलेंगे जब जैसलमेर के लिए, बट अभी सोच रहे हैं क्योंकि जयपुर घूम के थोड़ा फ्री हो गए थे और थोड़ी एनर्जी थी, तो सोच रहे हैं कि ट्रैवल कर लेते हैं जितना कर पाए। अभी तो जोधपुर लोकेशन डाली हुई है, जोधपुर के लिए जा रहे हैं, अगर जोधपुर पहुंच पाए तो ठीक है, अदरवाइज अजमेर। तो अभी तक यही कहानी है, आज का व्लॉग ये पर्टिकुलर वीडियो विल एंड है। अगले दो दिन प्लान है जैसलमेर ट्रैवलिंग एंड वहाँ घूमना, और उसके बाद उदयपुर देंगे। कल का ब्लॉग शुरू होगा हम जहाँ भी रुके होंगे वहाँ के होटल से। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू, बाय।